नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड 2019 में आप फील्ड ऑप्शन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यदि आप अपने द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट में किसी फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि फाइल का नाम, पेजेस, वर्ड, कैरेक्टर्स, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा, तो आप फील्ड ऑप्शन की मदद से जान सकते हैं। बस आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 की कंप्यूटर के लिए और यदि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस FN की के साथ आपको F9 प्रेस करना होगा और आपके सामने इस तरह का एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। आपको केवल इस ब्रैकेट के अंदर फील्ड्स का कोड टाइप करके F9 दबाना होगा। आपके फील्ड की जानकारी आपको दिखाई दे जाएगी। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोज़ जैसे कि MS Office, CorelDRAW, Photoshop, TeleProime इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फील्ड ऑप्शन का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने कुछ फील्ड्स लिखी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, कुछ फील्ड कोड्स लिखे हुए हैं। इन कोड्स को कहाँ से फाइंड किया जाता है, इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपको टेक्स्ट मेन्यू के अंदर जा करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसमें आपको फील्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस फील्ड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे कोड्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपने फील्ड को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो इसके लिए हम इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब ये जो हमने फाइल बनाई है इस फाइल का नाम क्या है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं इस फील्ड को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर फील्ड कोड लिखा है वही फील्ड कोड यहाँ पर हमें टाइप करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ फाइल नेम। फाइल नेम लिखने के बाद जैसे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 तो आप देखेंगे इस फाइल का नाम आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, जबकि इस फाइल का नाम हमने क्या लिखा है, फील्ड्स लिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमने इस फाइल का नाम फील्ड्स लिया हुआ है तो वो फाइल नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में टोटल पेजेस कितने यूज़ हुए हैं तो उसके लिए भी आप इस फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप फील्ड कोड का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इसी ऑप्शन पर और यहाँ पर फील्ड को सिलेक्ट करके इसका जो फील्ड कोड है वो है नम पेज। तो यहाँ से हमें सर्च करना होगा नंबर ऑफ पेजेस। नम पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना होगा। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 2 लिखा हुआ आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पेजेस का यूज़ कर रखा है। ये देखिए फर्स्ट पेज वो है और सेकेंड पेज हमारा ये है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने टोटल वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं तो वर्ड्स के लिए भी आप इसी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, वापस से इसी ऑप्शन पर जाते हैं और इसका जो फील्ड कोड है वो है नम वर्ड। नम वर्ड को सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टोटल वर्ड्स यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डायरेक्टली इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F9 और यहाँ पर आपको इज इक्वल टू यूज़ करना है। जो भी वैल्यू आप प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। जैसे मैंने 25 प्लस 6 कर दिया और माइनस 2 कर दिया। इसके बाद जैसे ही मैं F9 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फील्ड कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा MS Word में फील्ड ऑप्शन।